गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फिफ्थ। आज मैं आपके लिए चैप्टर फाइव, जिसमें कि आपका संज्ञा, लिंग, वचन, ये तीनों चैप्टर एक साथ हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको समझाऊंगी। आपको थोड़ा में ही इसको समझ करके बाकी अपने बुक पर अपने चैप्टर में ध्यान दे करके स्वयं इसकी स्टडी करेंगे। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझाऊंगी। देखिए, संज्ञा जो कि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे थे कि संज्ञा क्या है, कि संज्ञा क्या है, इसके बारे में इसके भेद कितने होते हैं, थोड़ा इसके बारे में देखिए किस किस तरह से इसमें बताया गया है। संज्ञा जिसमें कि मैं कह सकती हूँ कि संज्ञा एक नाम है, किस तरह से नाम है, कि हमारा किसी भी बच्चे का नाम हुआ, किसी जाति में हमारा जैसे स्थान का नाम हो गया, ये सारे संज्ञा में आते हैं। देखो थोड़ा ध्यान दीजिए। मालिका का आप क्या लगा रहे हैं? कनिका बिटिया, चंदन नर्सरी से कुछ पौध लाया हूँ, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी की, और फूल खिल जाने पर इनकी सुंदरता देखते ही बनेगी। अब आप बतलाइए, संवाद आए, नाम शब्दों की सूची बनाई गई, लोग कौन है? माली और काका, जगह कौन सी है? चंदन नर्सरी, चीज़ें कौन सी है? गेंदा है, सूरजमुखी है और गुलाउदी है कि पौध है, और इसका भाव क्या होगा? सुंदरता। ये सभी नाम शब्द जो भी हैं, व्यक्ति, जंगा, वस्तु या भाव के नाम हैं, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जैसे कि कल्पना चावला ने भारत का नाम रोशन किया। अब देखो कैसे, व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कल्पना चावला एक विशेष व्यक्ति का नाम है, भारत जो कि विशेष स्थान का नाम है, रामायण, ताजमहल, स्थान, राजस्थान, यमुना आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आइए जातिवाचक। बच्चे टमाटर की चटनी बहुत पसंद करते हैं। किसी समूह या बहुत सी चीज़ों, प्राणियों के नाम बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बच्चे, टमाटर, चटनी, बकरी, कक्ष, राज्य, देश, पहाड़, फूल, फल, सब्जी, वृक्ष, पशु पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। अब आता है आपका भाववाचक। भाववाचक, सब पहाड़ की ऊंचाई आश्चर्य से देखते रह गए। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि के बारे में बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। ऊंचाई पहाड़ का गुण है और आश्चर्य मन का भाव है, ये उदाहरण है इसके। कुछ इसके अन्य उदाहरण ये भी हैं कि कुछ अन्य उदाहरण जैसे लड़कपन, अपनापन, कठोरता, गहराई, ठंडक, गर्माहट, हरियाली आदि, ये भी इसके उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती हैं और बहुवचन बनाने पर जातिवाचक हो जाती हैं। बुराइयों से बचना चाहिए, बुराई भाववाचक संज्ञा और बुराइयां जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को अनुभव किया जा सकता है, देख या छू नहीं सकते। कुछ संज्ञाएँ मूल रूप से भाववाचक होती हैं, सच्चाई, करुणा, क्षमा, सुख आदि। कुछ ऐसी ही भी होती हैं जिन्हें दूसरे शब्दों से बनाया जा सकता है, जैसे शब्द हो गए और भाववाचक संज्ञा हो गई आपकी, बच्चा का बचपन, मित्र मित्रता, योग्य योग्यता, वीर वीरता, खेलना का खेल, तो अपना का अपनापन, मम ममता, मीठा मिठास, उड़ना उड़ान, सजाना सजावट, ये सब आपके हो गए संज्ञा के भाववाचक के भेद। अब आप आइए स्त्रीलिंग, सॉरी लिंग। लिंग में इनका दिखाया गया, आपको दिखाया है आपके चैप्टर में जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग लिंग के आधार पर क्या है? देखिए, अनंत भैया, भागो नहीं, देखकर सड़क पार करो, सामने से ट्रक आ रहा है, कार भी आ रही है, मैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार कर रहा हूँ दीप्ति दीदी। ऊपर का चित्र देखकर, संवाद पढ़कर, शब्दों के सामने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग देखिए। अनंत क्या एक पुल्लिंग है? तो दीप्ति स्त्रीलिंग है। भैया क्या है पुल्लिंग? तो दीदी स्त्रीलिंग है। ट्रक पुल्लिंग है तो कार स्त्रीलिंग है। आपने देखा है कि अनंत भैया ट्रक शब्द पुल्लिंग और दीप्ति दीदी कार शब्द स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में सभी शब्द, चाहे वे निर्जीव हों या संजीव हों, वे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। यह भी जानिए कि कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, कुछ स्त्री जाति का बोध कराते हैं। शब्दों के यही रूप क्या है? लिंग कहलाते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक तो पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि आप इसमें आगे देखिए, स्कूटर, शिक्षक, लेखक, शेर, हिरन, पशु जाति की जानकारी देने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। साइकिल, शिक्षा, लेखिका, शेरनी, हिरनी, स्त्री जाति की जानकारी देने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। विराट अभ्यास कर रहा है, राष्ट्रपति सलामी ले रहे हैं, यह कपड़ा मोटा है, ये सब क्या हो गए? हमारे पुल्लिंग वाक्य हो गए। सायना अभ्यास कर रही है, राष्ट्रपति सलामी ले रही है, यह पुस्तक मोटी है, ये सब हमारे क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गए। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग उनकी क्रिया विशेषण के प्रयोग से पता लगता है। मच्छर, खरगोश आदि शब्द हमेशा पुल्लिंग रूप में आते हैं। मैना, गिलहरी आदि शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रूप में आते हैं। इन्हें नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं।
इनके लिंग पहचान के लिए नर व मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नर मच्छर और मादा मच्छर। निर्जीव वस्तुएं भी स्त्रीलिंग व पुल्लिंग होती है। मेज रखी है, कमल अच्छी है, साइकिल खड़ी है और कली खिली है, ये सब हमारी निर्जीव हैं, निर्जीव वस्तुएं जो कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आते हैं। स्टूल रखा है, कंप्यूटर अच्छा है, स्कूटर खड़ा है और फूल खिला है। अब आपका आता है पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाते हैं। मैं आपको दो चार शब्द बताऊंगी, बाकी आप खुद अपनी पुस्तक में ध्यान देकर के पढ़ेंगे। महोदय का हो गया आपका महोदया, छात्र का छात्रा, तो अध्यक्ष का अध्यक्षा, और लड़का का लड़की, तो नाना का नानी, हिरण का हिरनी, तो बेटा का बेटी। ये इस तरीके से आपके आते हैं इसमें। जैसे लेखक लेखिका, और श्रीमान का श्रीमती, ऊँट का ऊँटनी, तो सांप का सांपनी, युवक का युवती, बेटा का बहू, तो वर वधु। ये सब आपके स्त्रीलिंग व पुल्लिंग वाले शब्द हैं, ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़िए। अब आप आइए फलों की चार्ट, आपका नेक्स्ट इसमें चैप्टर 5 में आपका वचन आता है। वचन देखिए किस तरह से है आपका। वाह चटपटी चाट, मुझे भी बनाना सिखाओ। मैं तो दो प्यालियाँ और चम्मचे लेकर खाने के लिए तैयार खड़ी हूँ। दो प्यालियाँ जो हैं ये आपकी यहाँ पर हो गया आपकी बहुवचन, और चम्मचे ये भी हो गया आपका बहुवचन में। जरूर जरूर बहुत आसान है, दो केले, चाट मसाला, एक सेब, थोड़ी सी चीनी, दो संतरे, एक नींबू का रस, एक अमरूद, 10 दाने अंगूर के। संतरों की फांके निकाल लो और फलों को धोकर काट लो। चाट मसाला, चीनी, नींबू का रस मिला दो, बन गई फलों की चाट। जैसे कि हम कह सकते हैं जहाँ पर एक से अनेक शब्दों का पता चलता हो या बोध होता हो, वो हमारे बहुवचन कहलाते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों द्वारा हमें यह ज्ञात होता हो कि एक वचन की एक वस्तु का ज्ञान किया जाता है, तो हमारा एक वचन होता है। जैसे कि आपका आगे इसमें एक से, जिन वस्तु द्वारा हमें एक से अनेक वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है, वो हमारा बहुवचन होता है। जैसे कि दो संतरे, 10 दाने अंगूर के, यह हमारे उदाहरण के तौर से मैंने आपको समझा दिया। ये इसके एक वचन बहुवचन दो उदाहरण होते हैं। फलों की चाट बनाने और खाने के लिए एक या एक से अधिक चीज़ों की सूची बनाई गई है। आप इसे अपनी नोटबुक में बनाएंगे, ध्यान से देखें। आपने देखा है सेब, अमरूद, नींबू, ये एक है। केले, संतरे, फांके, दाने, प्यालियाँ, चम्मचे अनेक हैं। जिन शब्दों से किसी एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। मैंने आपको पहले समझा देता, वचन के प्रकार देखिए, एक वचन और बहुवचन। बच्चा, पतंग, मछली, जिन शब्दों से एक का पता चले, उन्हें एक वचन कहते हैं। अभी समझाया था मैंने कि जिन शब्दों से एक का ही पता चलता है, एक वचन होता है। बच्चे, पतंगे, मछलियाँ, जिन शब्दों से अनेक का पता चले, उन्हें बहुवचन कहते हैं। पहाड़ ऊंचा है, हाथी आ रहा है, ये आपका एक वचन हो गया। पहाड़ ऊंचे हैं, हाथी आ रहे हैं, ये आपके बहुवचन हो गए। वाक्य में विशेषण और क्रिया के रूप में एक वचन है बहुवचन का पता चलता है। बत्तख तैर रही है, बत्तखें तैर रही हैं। चिड़िया उड़ रही है, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। वाक्य में जब संज्ञा का वचन बदलता है तो साथ में क्रिया भी बदल जाती है। बाग में पेड़ है, भाई खेल रहा है। बाग में पेड़ हैं, भाई खेल रहे हैं। कुछ शब्दों का रूप बहुवचन होने पर भी नहीं बदलता, क्रिया से उनके वचन का पता लगता है। कि जैसे कि बच्चा एक वचन है तो बच्चे बहुवचन, पंखा एक वचन तो पंखे बहुवचन, पहाड़ी एक वचन में आता है तो पहाड़ियाँ बहुवचन, खिड़की एक वचन तो खिड़कियाँ बहुवचन में आता है। इस तरह से आपका हम कहते हैं कि हम समझ गए कि जिन शब्दों से उसकी संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन में कटोरी, कपड़ा, किताब, और बहुवचन में कटोरियाँ, कपड़े, किताबें, ये सब आपका हो गया। जैसे कि सोचिए किस तरह से कि फूल खिले हैं, फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। ऊपर के दोनों वाक्यों में फूल क्या है बहुवचन में आया, और दोनों में क्या अंतर है, ये आप स्पष्ट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे या मुझे समझाएंगे, जैसे भी है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।